आज हम बनाएंगे व्रत में खाने वाला आलू का हलवा। हे फूडस्टर्स, आपने क्या ऐसा हलवा खाया है जो सिर्फ एक चम्मच घी में बन जाए? आज मैं आपको बताती हूँ कैसे। चलिए हम शुरू करते हैं आलू का हलवा बनाना। आलू हमें उबाल के रखने हैं, इसे हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आलू को हमें अच्छे से मैश करना है। मैंने मैशर लिया है, इससे हम अच्छे से इसको मैश करेंगे। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आलू हमारे अच्छे से मैश हों, क्योंकि आलू अगर अच्छे से मैश होंगे तभी इसका हलवा स्मूथ बनेगा। अगर आलू में गुठलियाँ रह जाएंगी, अगर आलू ठीक से मैश नहीं होंगे, तो फिर इसे टेस्ट भी वैसा नहीं आएगा। आप देख सकते हैं मैंने ये कढ़ाई ली है। इस कढ़ाई में हम सिर्फ एक चम्मच घी डालेंगे। घी हमारा पिघल के तैयार है। अब इसमें हम मैश किए हुए आलू डालेंगे। आलू का हलवा बाकी हलवों से ज़्यादा सही है, क्योंकि एक इसमें कम घी लगता है, सिर्फ एक चम्मच लगता है, और इसे आप आसानी से बना सकते हैं और कभी भी खा सकते हैं। आलू को हमें तब तक सेकना है जब तक आलू गोल्डन ना हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे आधा ग्लास दूध। दूध डालते वक्त हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच चीनी। आप देख सकते हैं मैंने फुल क्रीम दूध डाला है। इसको डालने के बाद धीरे धीरे हम मिलाएंगे। तब तक मिलाएंगे जब तक ये पूरा गाढ़ा ना हो जाए। हमें अच्छे से इसे मिलाना है और इसे धीरे धीरे पकाना है। हे फूडस्टर्स, अब से हम वीडियो में एक किचन हैक बताएंगे। इस वीडियो के अकॉर्डिंगली मैं आपको एक हैक बताती हूँ। आलू बॉईल करते वक्त अगर आप कुकर में या जिसी भी वेसल में आप बॉईल कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। इससे आपके आलू बॉईल होने के बाद छिलके आराम से उतरेंगे और छिलकों में आलू बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी इलायची पाउडर। आलू का लाजवाब हलवा एकदम बनके तैयार है। अब हम सिर्फ बादाम से गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें और एंजॉय करें। थैंक यू।